أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم الله رب العزت کو میرے پیارے پاک اللہ کو بہت پسند ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دو کلمے آپ اللہ رب العزت کو بہت پسند ہیں سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم آپ صلی اللہ علیہ وسلم कसरत से ये पढ़ा करते थे और हुक्म भी दिया था उम्मत को कि कसरत से पढ़ा कर, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत मालिक मुल्क को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और मिज़ान भी इंशाल्लाह अल्लाह चाहेंगे तो जो शख्स ये कसरत से पढ़ता है अल्लाह रब्बुल इज्जत इंशाल्लाह क्या कर देंगे, उसका मिज़ान अमाल नामा अमाल नेकियों से भर देंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि हर रोज़ सदका करना चाहिए, सुबहानअल्लाह पढ़ना, अल्हम्दुलिल्लाह कहना, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह, जो शख्स पढ़ लेता है ये पाक कलमात तो सदका हो जाता है, क्योंकि ये सदके की एग्ज़ाम है। अगर किसी ने अस्तग़फिरुल्लाह कहा उसने भी सदका किया। ज़रूरी नहीं है कि इंसान के पास पैसे नहीं है वो या खाने की चीज़ तकसीम नहीं कर सकता, वो भी नहीं है दस्तियाब नहीं है तो सदका नहीं कर सकता, ऐसी कोई बात नहीं है। सदका करने की तो बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत में तो अल्लाह सुब्हानहु तआला ने दीन में बहुत आसानियाँ पैदा किए हैं, क्योंकि ये दीन तो मेरे प्यारे अल्लाह का है। इसलिए जिस शख्स ने सुबहान अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह का ये सदका हो गया है, सुबहान अल्लाह कहना भी सदका है, अल्हम्दुलिल्लाह कहना भी सदका है, एक सदका नहीं दो सदके हो जाएंगे। जैसे कि सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये सदके की एग्ज़ाम है, दो एग्ज़ाम होगी, ला इलाहा इल्लल्लाह जिसने पढ़ लिया वो भी सदका शुमार किया जाएगा, अस्तग़फिरुल्लाह कर लेना सदका, नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना ये भी सदके की एग्ज़ाम है, किसी नाबीने को उसकी मंजिल तक पहुंचा देना ये भी सदके की एग्ज़ाम है, किसी को किसी के काम आ जाना ये भी सदके की एग्ज़ाम है। जितना हो सके एक दूसरे के साथ काम आते रहना चाहिए इंसान को। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पड़ोसियों के मुसलमान को चाहिए कि अपने पड़ोसी भाई का ख्याल रखे, उसके काम आए, उसकी जायज़ ज़रूरत अगर उसे कोई चीज़ खाने की ज़रूरत हो तो उसे दे दे, यानी कि उससे अच्छा सलूक रखे, उससे बुरा बर्ताव ना रखे। यानी कि एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो शख्स मोमिन ही नहीं है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीन मरतबा फरमाया कि वो शख्स मोमिन ही नहीं है साहबा को, कि जिसके तकलीफ़ और ईज़ा से उसका पड़ोसी महफूज ना हो। तो इसलिए जितना हो सके अपने पड़ोसी का ख्याल रखना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ोसियों के बारे में कुछ वाकिया मैं भी सुन चुका हूँ, जैसे कि किसी के घर से पानी निकल जाना और सामने वाला पड़ोसी इतराज़ करता है, उसे भी चाहिए कि वो भी बर्दाश्त करे, ना कि गुस्सा कर जाए। पानी निकला तो मजबूरी हो, एक इंसान की मजबूरी भी हो सकती है, पानी निकला तो उसे चाहिए कि उस चीज़ को बर्दाश्त करे। अक्सर पड़ोसी आपस में लड़ जाते हैं छोटी छोटी बातों पर, लड़ाई झगड़े छोटी छोटी बातों में, तो बस अल्लाह हदायत दे माफ़ करे, कत्ल तक हो जाते हैं, पिस्तौल निकाल दिए। तो अल्लाह ने तो बल्कि सुलह का बर्दाश्त करने का हुक्म दिया, जो शख्स बर्दाश्त सब्र करता सब्र करने वालों को तो अल्लाह रब्बुल इज्जत अपना दोस्त रखते हैं। इसलिए सब मुसलमानों को चाहिए कि बर्दाश्त करें। बहादुर वो है अल हदीस जो गुस्सा पी जाए, वो नहीं है जो गुस्सा ना पिए और अपना हाथ दूसरे मुसलमान में चलाए। बहादुर वो है जो हक पे होने के बावजूद भी गुस्सा पी जाए, वो बहादुर है। और जो माफ़ कर दे, माफ़ करने वाले का तो अजर अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ ही है। इसलिए चाहिए कि जितना उसके पड़ोसी से अच्छा सलूक बर्दाश्त और उन्हें समझाएं, नेकी का हुक्म दें और बुराई से रोकें। पड़ोसी अगर बुरा है तो उसे समझाएं, ना कि उसे किनारे कशी ना कर दें। अगर आपके पास इलम है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपके सीने में आपको इलम अता कर दिया, तो आपका हक है कि उसे रोकें, बुराई से रोकें, उसे प्यार से समझाएं, गुस्से से नहीं। अगर वो नमाज़ नहीं पढ़ता तो उसे आराम से नरमी के साथ उन्हें समझाएँ। अच्छा और नरम लहजा रखना ये सुन्नत है। जब आप गुस्सा करेंगे शख्स नमाज नहीं पढ़ता, गाली गलौज कह के हम कहेंगे, गाली देना तो वैसे गुनाह है, आराम से कहें, उसे समझाएँ बैठ कर अदब से, ताकि उसके आपकी बात उसके तक समझ आ सके। जो भी अगर कुछ घर में पकाया तो उसके घर में भेजें, वो भले नहीं भेजता आप भेजते नहीं,
ताकि हो सकता है एक ना एक दिन अल्लाह ने चाहा तो उस أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اطيع الله واطيع الرسول پیارے اللہ رب العزت کا فرمان ہے قرآن مجید میں اللہ نے کہا اطاعت کرو میری اور میرے رسول کی تو ہمیں چاہیے کہ اطاعت کریں اللہ کی اور اللہ کے رسول یعنی کہ اللہ کے نبی اللہ کے بندے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بھی سیڑھیاں بلندی کی طرف چڑھیں تو اللہ اکبر پڑھیں اور جب نیچے کی طرف آ رہے ہوں بھلے سیڑھیاں پہاڑ سے نیچے یا لفٹ کے ذریعے آپ نیچے کی طرف جا رہے ہیں کوئی شخص تو اسے چاہیے کہ سبحان اللہ پڑھے یہ سنت اور حکم ہے